हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस चैनल बॉडी क्राफ्टिंग मिस। आप सब कैसे हैं नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। आज मैं लेके आई हूँ कुछ बहुत इजी DIY, जो कि आप ये जो समर वेकेशन का आपका छुट्टी चल रहा है ना, वहाँ पे आप रिक्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो पे आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। पहले ही जो है वो है, मैं बुकमार्क बना रही हूँ। यहाँ पे मैं मोटा एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसके ऊपर हम वाटर कलर करेंगे, पर वाटर कलर से हम नहीं करेंगे। पहले अच्छे से पेज को भिगा लिया, उसके ऊपर जो ब्रश पेन आता है वो इजिली स्मार्ज हो जाता है, उसी को ही हम यहाँ पे एज अ वाटर कलर हम यूज़ करेंगे। तो प्रोसेस आप देखते जाइए। ये करने के बाद अच्छे से सूखने के लिए इसको छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे हम टैग जैसा एक बना लेंगे पेंसिल से, उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद दिखने में कुछ ऐसा लगता है। देखिए देखिए, आगे आपको दिखने को मिलेगा। देखिए दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे एम्ब्रॉयडरी। यस, अब ठीक सुना है। यहाँ पे हम कागज़ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। यहाँ पे हम हार्ट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक नीडल की मदद से यहाँ पे हम होल करते रहेंगे, ताकि इजीली यहाँ पे आप नीडल फंसा सके इसीलिए। तो देखिए प्रोसेस को आप देखते जाइए, बहुत ईजी है। बहुत ऐसे सारे बहुत आइडियाज़ आपको पिंट्रेस्ट में इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम पिंक एंड रेड का एक ग्रेडिएशन वाला थ्रेड ले रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे प्लेन रेड ले सकते हैं, कुछ और भी कलर ले सकते हैं। ये जिगजैग पैटर्न की मदद से आप यहाँ पे इसको पूरी तरह से फिलअप कर देंगे, यानी भर देंगे। तो प्रोसेस आप देखते जाइए, हम ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखते जाइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर हफ्ते संडे को वीडियो देती हूँ, और इन दिनों में बहुत सारे शॉर्ट्स दे रही हूँ, बहुत बहुत सारे शॉर्ट्स दे रही हूँ, वो भी आप चेक करना मत भूलना, ठीक है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसके ऊपर यहाँ पे हम होल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हम एक रिबन ऐड कर देंगे, ताकि एक अच्छा सा लुक आए। जब ये आपको बुक के अंदर रखेंगे तो सुंदर एक लुक आएंगे। तो देखिए इसका फाइनल लुक। सेकेंड DIY के लिए मैं यहाँ पे मोल्डेट ले लिया। मोल्डेट का जो दोनों पोर्शन है उसको इक्वली पोर्शन में मिला के एक डोर जैसा हम बना लिया, देख सकते हैं। यहाँ पे हम पाइनएप्पल शेप देंगे, ठीक है। थोड़ा पोर्शन लेके एक और एक डोर बनाएंगे, और इसके ऊपर देखिए ऐसे एक हुक मिलता है जो ज्वेलरी शॉप में, जहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या फिर हैंडमेड ज्वेलरी बनाने का सामान मिलता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको आप देखिए कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम पाइनएप्पल बना रहे हैं। आप चाहो तो कुछ और भी क्रिएचर या फिर कुछ और भी फ्रूट्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। बेसिकली ये है ना, यहाँ पे हम की रिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कस्टमाइज आप की रिंग बना सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। और ये ना जब हार्ड हो जाता है बहुत पत्थर जैसा बन जाता है, इसीलिए ये बहुत सुंदर बनता है। तो आप देखते जाइए, और इसको रिक्रिएट करते हैं तो मुझे शेयर ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, पिंट्रेस्ट में। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अब ना ये सारे क्ले वर्क सूख जाने के बाद यहाँ पे हम जेसो अप्लाई कर लेंगे पहले। देखिए प्रोसेस आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जेसो के पार्ट सूख जाने के बाद यहाँ पे कलर करने के वाली कलर यहाँ पे ना हम गोल्डन एक्रेलिक कलर, गोल्डन येलो एक्रेलिक कलर एंड ऑरेंज को मिक्स करके, यानी इसके बाद हम ऑरेंज अप्लाई करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद ग्रीन पत्ते के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है।
और एक बात, ये कलर सारे सूख जाने के बाद आपको वार्निश अप्लाई करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये जो क्लीनिंग है इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे हम एक जाम हुक लेंगे। इस जाम हुक की मदद से यहाँ पे हम हैंग करेंगे इसको। चलिए थर्ड DIY, इसके लिए यहाँ पे हम पॉपस्टिक ले लिया। और देखिए प्रोसेस को आप देखते जाइए, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारा पॉपस्टिक एक साथ बना के एक थिक जैसा हम बना लेंगे। ये बन जाएगा हमारा बॉडी, यानी हमारा नहीं, यानी जो एयरप्लेन आप पहले दिखा था ना उसका ही बॉडी यहाँ पे बन जाएगा। तो प्रोसेस आप देखते जाइए, बहुत ईजी है, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। हाँ भाई, यहाँ पे कलर करने के बाद कलर के लिए अकॉर्डिंग तो आपकी चॉइस, आप किसकी मर्जी से कुछ भी कलर कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फंकी कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आप इसको हैंग कर सकते या फिर एज अ शोपीस की तरह यहाँ पे हम सजा सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यह कर रही हूँ। बहुत ईजी है, तो देखिए अब हम कैसे कर रहे हैं। और एक बात, वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है आप इतने तक तो देख लिया है तो अच्छा ही लगा होगा ना। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं हर हफ्ते संडे को वीडियो देती हूँ, और जब जब मिस हो जाते हैं तब हम इंस्टाग्राम पे हम इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट DIY, इसके लिए भी हम यहाँ पे पॉपस्टिकल ले लिया। पॉपस्टिक ना आपको इजीली किसी भी दशकर्मा भंडार यानी जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम बॉक्स जैसा बना लेंगे। ये सारे जो पॉपस्टिकल है ना, इसको लगाने के लिए स्ट्रॉन्ग एडिसिव होना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत अच्छे से स्टिक नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू लगा रही हूँ। आप चार डिफरेंट कलर का हम यहाँ पे ऊन ले लेंगे और उसको ड्रैप करते हुए चलेंगे, तो प्रोसेस को आप देखते जाइए।
ऐसे हम चारों तरफ ड्रैप करते हुए चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे वुडन क्लिप हम लगाएंगे ताकि यहाँ पे हम फोटो हैंग कर पाए। अब किसी नोट को भी आप हैंग कर सकते हो, कुछ भी हैंग कर सकते हो। तो यही था आज का हमारा लास्ट DIY। कैसे लगा कमेंट करके बताना ज़रूर, लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए बाय।